सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का। कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। संवाद किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कन्या चल रही है उनकी। मैं दो सुमंगला योजना लाभार्थी जानकारी दूंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक योजना चल रही है हमारी। इसी तरह 101 महिला हेल्पलाइन, ये आप याद रखिए, कहीं कोई भी हिंसा हो कुछ भी हो आप इस पे हेल्प ले सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर पर आप रह के अपनी जो भी सहायता आपको चाहिए वो मिल सकती है, चाहे काउंसलर की हो, वकील की हो, डॉक्टर की हो, या आर्थिक रूप से ट्रेनिंग लेने की हो, वो हमारे वन स्टॉप सेंटर पर आपके लिए की जाती है। पति की मृत्यु के उपरांत 1000 रुपये महिला पेंशन, हम आज 32 लाख बहनों को पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपये उसके खाते सीधे में जाता है, कोई बीच में नहीं है। इसी प्रकार से महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध जो जघन्य अपराध होते थे उसके लिए भी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई कोष के अंतर्गत हम 1 लाख से 10 लाख तक की उस बच्ची की, उस महिला पीड़ित की मदद करते हैं इस योजना के माध्यम से। इसी प्रकार हमारे 9 शरणालय, 1 संरक्षण गृह, 1 मानसिक मंदिर महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह तथा 13 शक्ति सदनों का संचालन किया जा रहा है। हम वृंदावन में भी 1000 महिलाओं के लिए कृष्ण महिलाओं की आवासीय क्षमता के आश्रय सदन कृष्ण कुटीर का भी संचालन कर रहे हैं, जहां हमारी वो निराश्रित बहनें रहती हैं, वहीं उनका भोजन पानी रहना उनकी दवा डॉक्टर को दिखाना सब कुछ है। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं अब हमारी बच्चियों के लिए। बाल पुष्टाहार के माध्यम से हम छोटे बच्चों को भोजन दे रहे हैं।